जय हिंद जय भारत। आज के स्टूडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि भारत अमेरिका से 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को खरीद रहा है और वो भी $3 बिलियन में, यानी कि इंडियन रुपीस में बात कर रहे हैं तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए होते हैं। आखिर इतना खर्च किसी ड्रोन पे किया जा रहा है तो उसका क्या फायदा होने वाला है, आखिर वो किस तरीके से हमारे देश की सेवा करेगा, इस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। इसे हंटर ड्रोन भी बोला जाता है, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन को हंटर ड्रोन भी बोला जाता है और ये सभी मौसम में 30 घंटे से ज्यादा तक उड़ सकता है, यानी कोई भी मौसम हो, ठंडा गर्मी बरसात, ये 30 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये 2721 किलो तक की मिसाइलों को अपने साथ ले जाता है, यानी कि 2721 किलो भारी मिसाइलों को अपने साथ लेकर ये आसानी से उड़ सकता है। और ये लेजर गाइडेड AGM-114 हेलीफायर मिसाइल को भी अपने साथ रखता है। देखिए आखिर ये अब AGM-114 हेलीफायर मिसाइल क्या है, देखिए ये मिसाइल हवा से सतह पे वार करती है, यानी कि कोई देखिए जैसे कि उड़ रहा है ड्रोन और वो ये ड्रोन से वार करेगी नीचे, यानी कि हवा से वार कर रही है नीचे सतह पे, तो ये क्या होगी, ये एक हेलीफायर मिसाइल। ऐसे हेलीफायर मिसाइल पे अलग से डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि समझना है। ठीक है, तो अभी बस इतना ही समझते हैं कि ये हवा से सतह पे वार करती है। इस ड्रोन का मदद निगरानी और हमला के लिए किया जाता है। देखिए इस ड्रोन का प्रयोग आखिर किस लिए किया जाता है, इस ड्रोन की मदद से हम लोग दुश्मन देश का निगरानी कर सकते हैं, दुश्मन के बंकर वगैरह का हम लोग क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं या फिर हमला भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम लोग हमला भी कर सकते हैं इस ड्रोन द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसका 11,112 किलोमीटर का रेंज है, रेंज इसका बहुत तगड़ा है, 11,112 किलोमीटर का रेंज, समझिए 11,000 किलोमीटर रेंज, ये लगभग आधी दुनिया को क्या कर लेगी, अपने रेंज में ले लेगा, आधी दुनिया इसके रेंज में आ जाएगी, बहुत तगड़ा इसका रेंज है, 11,112 किलोमीटर का इसका रेंज। ठीक है, अब इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं, 388 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, 388 किलोमीटर मतलब 388 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब कि हर एक घंटे में 388 किलोमीटर, यानी कि 388 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगी हर एक घंटे में। बाइक में होता है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका अर्थ क्या होता है आखिर कि हर एक घंटे में आप इतनी दूरी तय करेंगे, यानी हर एक घंटे में 20 किलोमीटर, हर एक घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से ये है, हर एक घंटे में 388 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, इसका स्पीड भी अच्छा है। और देखिए ये मानव रहित विमान है, मानव रहित विमान मतलब क्या होता है, जिसमें कि मानव ना हो, बिना मानव के ये चलाई जाती हो, जैसे कि देखिए ये जो ड्रोन होता है इसमें मानव बैठे नहीं होते हैं, एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन में मानव हम खुद उसको बैठ के उड़ाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हम अपना एक रूम बना लिए, यहाँ से बैठ के हम उड़ाएंगे उसको, ये वो कहीं भी उड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी को मानव रहित बोलते हैं, जिसमें कि इंसान ना बैठे, जिसमें कि मानव बैठ के उसको ना उड़ाए, तो कहीं भी एक कंट्रोल रूम बना लेंगे, वहां से उड़ाएंगे, हमारा ड्रोन उड़ता रहेगा, तो ये एक मानव रहित विमान है। अब ये दो लोगों द्वारा ऑपरेट किया जाता है, यानी कि इसे उड़ाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। देखिए ये दो लोगों द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो पहला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो पायलट होता है, पायलट यानी कि ये ड्रोन को उड़ाता है, ये ड्रोन को क्या करता है, ये ड्रोन को ऑपरेट करता है, यानी कि ड्रोन को उड़ाता है। और जो हमारा दूसरा व्यक्ति होता है ये हथियार को लॉन्च करता है या फिर ये जासूसी करने का भी काम करता है। ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति होता है हथियार को लॉन्च करता है और जासूसी करने के लिए या दुश्मनों पे निगरानी करने के लिए, तो ये दूसरा व्यक्ति होता है। और जो पहला व्यक्ति होता है वो ड्रोन का पायलट होता है, वो ड्रोन को उड़ाता है, वो ड्रोन को ऑपरेट करता है। देखिए ये MQ-9 रिपर ड्रोन का ही एक वेरियंट है, MQ-9 रिपर ड्रोन के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए इसका नाम पहले समझते हैं, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। देखिए मैं शुरू में तो नहीं बता पाया, इस चीज को मैं भूल गया बताना, लेकिन अब समझते हैं। देखिए MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन ही आखिर इसे क्यों बोलते हैं, इसका नाम समझिए ना, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। प्रीडेटर मतलब यहाँ पे ये अर्थ क्या हुआ, इस प्रीडेटर का अर्थ होता है दरिंदा, यानी कि हिंसक जानवर से अर्थ है प्रीडेटर का। इसका अर्थ क्या होता है आप इसको सर्च कर लीजिए, आप अभी जाइए गूगल पे इसको सर्च कीजिए इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा हिंसक जानवर दरिंदा। ठीक है, ये दो मीनिंग आते हैं, हिंसक जानवर यानी कि ये इस तरीके का हिंसक जानवर है कि ये अपने टारगेट को, यानी कि ये अपने शत्रु को छोड़ता कभी भी नहीं, दौड़ा के मारता है अपने शत्रु को, खोज खोज के मारता है, वो कहीं भी छुपा रहे ये अपने शत्रु को मारता है। ठीक है, इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने
अफगानिस्तान के अल जवाहिरी को मारा था। ये MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के भी कुछ वेरिएंट है। इसके दो वेरिएंट होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है ये होता है सी गार्डियन। ये कौन सा वेरिएंट होता है? सी गार्डियन वेरिएंट। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। इसी से हमको इसके नाम से समझ में आ जा रहा है। सी गार्डियन मतलब क्या? ये समुद्री इलाकों में निगरानी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्री इलाकों में इसको लगाया जाता है। और ये दूसरा है स्काई गार्डियन। स्काई गार्डियन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्काई गार्डियन का प्रयोग चाइना पाकिस्तान इन सब के बॉर्डर पे किया जाता है, दुश्मनों को निगरानी करने के लिए आकाश में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्काई मतलब क्या होता है? स्काई मतलब आसमान। आसमान में निगरानी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग समुद्र की निगरानी करने के लिए, यानी कि समुद्री निगरानी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये राफेल से भी खतरनाक ड्रोन है। ठीक है, देखिए, भारत पहला ऐसा देश है जिसे अमेरिका ये ड्रोन देने के लिए तैयार हुआ है, यानी कि मंजूर हुआ है। भारत इकलौता पहला ऐसा देश है। देखिए, ये 30 ड्रोन आ रहे हैं, 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन आ रहे हैं हमारे भारत में। अब देखिए, 14 दे दिए जाएंगे नेवी को। 14 किसको दे दिए जाएंगे? जल सेना को, यानी कि नेवी को दे दिए जाएंगे 14 ड्रोन। और जो 8 ड्रोन और बचे हैं, 8 दे दिए जाएंगे आर्मी को, थल सेना को, और 8 दे दिए जाएंगे वायु सेना को, यानी कि एयरफोर्स को। ठीक है, देखिए, इसको 8 दिए जाएंगे एयरफोर्स को, आर्मी को भी 8 दिए जाएंगे, और नेवी को 14 ड्रोन दिए जाएंगे। राफेल से खतरनाक तो है, इस साथ साथ प्राइस में भी राफेल से ज्यादा है। देखिए, इसका प्राइस है लगभग 800 करोड़ मान के चलिए, 800 करोड़ एक ड्रोन का। एक ड्रोन का प्राइस है लगभग 800 करोड़, 25,000 करोड़ से भी ज्यादा है इस टोटल, यानी कि 300 ड्रोन का प्राइस, $3 बिलियन में 3 बिलियन। और एक ड्रोन लगभग 800 करोड़ के आसपास में आएगा। ठीक है, 800 में यहाँ पे भी लगभग मैं लिखा हूँ, ठीक है, 800 से ज्यादा हो रहा है एक ड्रोन का प्राइस। 800 में यहाँ पे ऐसे ही लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए डायरेक्टली कि 800 लगभग है। ठीक है, और देखिए, 650 में एक राफेल आती है, यानी कि 600 करोड़ में 650 करोड़ की एक राफेल आती है। बहुत पावरफुल ड्रोन है भाई लोग, बहुत पावरफुल। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आपको नहीं बता सकते हैं, या हम लोग को खुद भी नहीं पता होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है डिफेंस के बारे में जो कि छुपा के रखा जाता है ताकि ये चीज़ किसी को पता ना चले। और जितनी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये हर एक नागरिक को जानने का अधिकार होता है कि उसके देश के लिए कहाँ पैसे को लगाया जा रहा है, कहाँ क्या किया जा रहा है। ये हर एक नागरिक को जानने का अधिकार होता है, इसलिए हम आपको समझाते हैं। पूरे दुनिया के सबसे खतरनाक आर्मी में से एक आती है हमारी आर्मी, यानी कि इंडियन आर्मी। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, लेकिन जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी देश को आपकी जरूरत पड़े, आप जरूर हाजिर होइए, और आप जितना हो सके उतना मदद कीजिए, जिस तरीके से हो सके उस तरीके से मदद कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप भी हमारे साथ बोलिए, भारत माता की जय।